चैन दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जेडी फिजिकल में। मैं आज आपको कुछ सिन पेन के एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सिन पेन बहुत हो रहा है, और जब हम बच्चों को करा भी रहे हैं, रनिंग करा भी रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के सिन पेन होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों आपको कि सिन पेन क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका। तो जिन बच्चों के सिन पेन हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान दें कि जो आप कौन से ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं, या ग्राउंड आपका हार्ड है या तो फिर सॉफ्ट है, या पक्के में दौड़ रहे हैं या कच्चे में दौड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं, अगर ज़्यादा सिन पेन की दिक्कत हो रही है, तो अगर आप पक्के में रनिंग कर रहे हैं तो उससे सिन पेन ज़रूर होगा आपका। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गलत शूज पहन रहे हैं, या तो पैर फ्लैट वाले जूते पहन रहे हैं, जैसे फ्लैट होते हैं वैसे जूते पहन रहे हैं, तब भी सिन पेन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप शूज यूज कर रहे हैं, जो ग्राउंड यूज कर रहे हैं, उससे भी 99% सिन पेन बढ़ने के चांसेज हो जाते हैं। तो उन सिन पेन के क्या इलाज है, तो मैं आपको बता दूं, उसके तो बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन कुछ हमारे घरेलू जो नुस्खे होते हैं, जो एक्सरसाइजों से इलाज होता है, तो मैं आज दो तीन एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं जिससे सिन पेन आपके ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन एक्सरसाइज के जरिए आपको सिन पेन से रिलीफ मिल जाएगा। अगर दोस्तों ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, फिर कहिए। तो मैं पहले आपको चलता हूँ, इन एक्सरसाइजों के बारे में बताता हूँ। तो पहले एक्सरसाइज बताते हैं आपको, तो चलिए यस पहले एक्सरसाइज में आ जाइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक दीवार होगी, तो दीवार में क्या करना है, आपको दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाना है, दोनों पैरों को जोड़ लेना है। इसके बाद आपको पैरों को ऊपर मूव करना है, तो जो ये हमारे साइड में जो ये साइड में जो ये हड्डी होती है, तो इस हड्डी में जो मांस रहता है, तो वो मांस हमारी हड्डी को छोड़ देता है, वहाँ पर हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाती है, तो इसी को हम सिन पेन कहते हैं। तो वो जब हल्का स्ट्रेच होने लगता है, तो वो दर्द बढ़ जाता है रनिंग के दौरान, क्योंकि रनिंग में सबसे ज़्यादा जोर यहीं पर पड़ता है, तो ये हमारे सिन पेन का कारण होता है। तो मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए पहले एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। पहले एक्सरसाइज यस अब तो दोस्तों, ये इस एक्सरसाइज से ये फायदा है कि जो ये आप एक्सरसाइज करेंगे, और यहाँ पर जो ये खिंचाव हो रहा है पैरों पर, ये जो इस मांस में खिंचाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये आपके यहाँ पर ब्लड जमा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपना फिर चालू हो जाएगा, और वो रनिंग करने लगेगा, तो वो जो ब्लड जमा होता है हल्का हल्का कहीं ना कहीं, तो वो इस एक्सरसाइज से आपका वो ठीक हो सकता है, और आपको एक्सरसाइज से फायदा मिलेगा। तो आपको इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है, और करना क्या है, पैर जोड़ के आराम से दीवार में हाथ लगाना है, करते रहे कंटिन्यू, कम से कम एक्सरसाइज को 100 बार करिए। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, हमारे दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, या दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मैं बता दूं आपको कि पहले आप पैर को ले जाइए, यस स्टार्ट नाउ, जल्दी इस पैर को ले जाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर ऐसे, और इसको कस करके धक्का दीजिए, तो यहाँ पर ये जो जोर पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ भी जब खिंचाव होगा, तो कहीं ना कहीं हमें इस सिन पेन से रिलीफ मिलेगा। तो ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू कम से कम 30-30 सेकेंड तक करना है। और चलिए चलते हैं मेरी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, आ जाओ बेटे मैट में। यस, ये जो मैट वाली एक्सरसाइजें हैं, मैट वाली एक्सरसाइज, तो क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, इसके बाद इसको ऐसे रखना है, पैर को दोनों को जोड़ के रखना है, हाथ को बराबर रखना है, फिर मैं अभी शुरू करवा रहा हूँ एक्सरसाइज, इसमें से भी जो ये खिंचाव होगा, वो कहीं ना कहीं आपके सिन पेन को रिलीफ करेगा। तो चलते हैं अब, ये इसको कंटिन्यू करना है, कम से कम आपको 40-50 बार करना है। आप देख रहे हैं कि इससे भी यहाँ पर ये मूव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो नसों में और ये जो आपके मांस में यहाँ पर होता है, खींचते खींचते आराम से जो ब्लड वगैरह सर्कुलेशन नहीं होता है, जमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जब रिलीफ मिलेगा, तो अपने आप ये सिन पेन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलो चलते हैं मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, यस नेक्स्ट। या अभी क्या करना क्या है आपको, कि आगे पैर लेना है,
इसके बाद पीछे भी पंजे में लेना है और इसको आगे कर झुका देना, यहाँ भी खिंचाव पड़ेगा ये आपका, और यहाँ भी खिंचाव पड़ेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ खिंचाव पड़ेगा, तो आपको इसमें भी रिलीफ मिलेगा। और आपको कंटिन्यू कम से कम 30 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है और सामने देखना है, बराबर प्रॉपर करना है, होल्ड करके रखना है। अगर आपके आप अगर ये एक्सरसाइज आप ग्राउंड में कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू मूव करते जाइए, आगे चलते जाइए, पैर चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाए, तो कहीं ना कहीं आपको इस एक्सरसाइज से रिलीफ जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाई यह सब, ये मैंने आपको एक्सरसाइजें दिखाई हुई है, ये चार एक्सरसाइजों के बारे में बताया मैंने, बता दी दोस्तों आपको कि ये सिन पेन जो होता है ना, ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ग्राउंड जो होता है वो हार्ड होता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सॉफ्टली जो मुलायम ग्राउंड होते हैं, कच्चे ग्राउंड होते हैं, उन पर रनिंग करिए, ना कि आप हार्ड ग्राउंड में करिए। अगर आप हार्ड ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिन पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, बहुत आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें और उसका इलाज करवाइए। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।